Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever. Hello guys, एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो दोस्तों, आज से स्टार्टिंग हो रही है ट्रेन फेयर 2022 की। आपको यहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ तो दोस्तों, ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, जो कि ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाला है। प्रगति मैदान में लगाया गया है ये ट्रेड फेयर। और बात बता दूँ, ये पार्टनर स्टेट जो रहने वाले हैं यहाँ, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, और जहाँ ज़्यादातर फोकस दो स्टेट्स पे किया गया है वो केरल और उत्तर प्रदेश है। बात करें यहाँ की, स्टार्टिंग उसकी अभी बिजनेस ट्रेड विजिटर्स के लिए स्टार्ट हुआ है ये 14 से 18 नवंबर तक, और पब्लिक के लिए स्टार्ट होने वाला है ये 19 से 27 नवंबर तक। और बता दें कि स्टार्टिंग इसकी सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलने वाला है ये। तो देखिए दोस्तों, मैंने टिकट ले लिया, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। दोस्तों, आप अभी आना चाहते हो 14 नवंबर, जब ये स्टार्ट हुआ है, तो आपको इसकी टिकट प्राइस 500 पड़ेगी। लेकिन आप 2-3 दिन के बाद आते हो तो दोस्तों, आपको इसकी टिकट यहाँ आपको सस्ती हो जाएगी कुछ दिन बाद, तो आप तब भी आ सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ की कुछ दिन बाद आपको यहाँ की टिकट मिल जाएगी 150 की या 200 तक की यहाँ पड़ जाएगी आपको। तो दोस्तों, बात करें यहाँ की टिकट प्राइस की, तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और ऑफलाइन में यहाँ आकर भी आप ऑफलाइन ले सकते हैं यहाँ टिकट। एंड ऑफलाइन की सुविधा बता दो दोस्तों कि यहाँ पेटीएम और बाकी सारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ टिकट आकर। बाकी जितने भी उस पर आप ऑनलाइन मिल जाएगी आपको टिकट्स। बात करें नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट की मेट्रो स्टेशन रहेगी यहाँ की। दोस्तों, ये है यहाँ का एंट्री गेट अंदर जाने का, तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, मैं अंदर आ चुका हूँ। तो धीरे धीरे करके दोस्तों आपको ट्रेड फेयर मेले का पूरा मैं कवर कराऊंगा वीडियो में, तो एंड तक बने रहे दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, और आज से ही ट्रेड फेयर की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो चलिए, आज धीरे धीरे करके आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे इस तरफ कुछ लैंपिंग देखने को मिले हैं, ये लैंप्स हैं, घर में डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पर लगाए जाते हैं। तो एक बार चलिए एक बार इस तरफ भी चलते हैं, और कुछ लगता है कुछ नया भी हो यहाँ पर अब की बार, तो यहाँ पर भी देखते हैं चलकर। दोस्तों, ये काम टुर्की कंट्री से रिलेटेड है ये काम, एंड इनका लैंप्स का भी नाम है, मैं एक बार लैंप्स का भी नाम बता देता हूँ आपको। दिस इज़ अ कॉर्नर डिज़ाइन। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि ये कॉर्नर डिज़ाइन का ये पूरा लैंप है। देखिए जिस तरह ये दिखाया हुआ है, ये पूरा हर एक का अलग अलग लैंप्स का नाम है, तो इसको पूरा डिज़ाइनिश के तौर पर इसको दोस्तों कॉर्नर लैंप बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर हमें काफ़ी सारे ये कुछ प्लेट टाइप पे डिज़ाइन करे हुए दिखाए गए हैं, जो बिल्कुल ही अलग ही डिफरेंट टाइप की ये बिल्कुल ही वो है आर्ट है। तो दोस्तों, एक बार देखिए, इस पर प्राइस ही बता रखा है कि वन पीस इसका 1500 रुपीज़ है, और टू पीस इसका 2000 रुपीज़ है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर तरीके से ये पूरा बना रखा है। देखिए, काफ़ी अलग अलग लैंप्स है ये। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये काम मेरे को दिल्ली का, ये देखिए दोस्तों, जन विकास शक्ति के तौर पर ये काम किया जा रहा है, ये महिला शक्तिकरण पे है ये बिल्कुल काम। एक बार यहाँ पर भी चलते हैं, एक बार पूछते हैं। हाँ मैम, ये मिट्टी से बने, ये पूरा मिट्टी से बने, प्योर मिट्टी के हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे को कुछ अलग देखने को मिला, जो बिल्कुल डेकोरेटिव आइटम्स हैं यहाँ पर। डेकोरेटिव आइटम, ओके। ये देखिए दोस्तों, ये हैंगिंग के एंड
ये देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इस तरफ भी काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स हैं बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इस स्टॉल पे मेरे को कुछ विंटर क्लॉथ्स देखने को मिले, जैसे कि बेस कोट है, विंटर बेस कोट है, एंड ये कोट है, ये पूरा आइटम है, ये पूरा अपन इनसे ही पूछ लेते हैं। भैया इनके शॉल्स का क्या क्या प्राइस होगा? हाँ, 850 रुपये सभी का। सेम प्राइस है या अलग अलग है? सेम प्राइस है, ओके। एंड कोट का 3150। सेम है, सेम प्राइस। ओके, तो देखिए दोस्तों, इनके सेम प्राइस, कोट के भी सेम प्राइस हैं, अलग अलग कोई प्राइस नहीं है, और ना ही शॉल के कोई अलग अलग प्राइस है, सब सेम प्राइस है, काफ़ी अच्छे प्राइजेज हैं। देखिए दोस्तों, ये हैंगिंग बैग्स हैं, यहाँ पर पूरे एरिया में हैंगिंग बैग्स का पूरा स्टॉल लगा रखा है इन्होंने। प्राइस सबके सेम प्राइस है या अलग अलग प्राइस होंगे? अलग अलग प्राइस है। तो इनका, इस वाले का क्या प्राइस होगा? सबसे छोटा प्राइस, हाँ, इसका सामने 250। एंड स्टार्टिंग प्राइस क्या होंगे इनके? सौ रुपये से। तो देखिए दोस्तों, 100 से इसकी स्टार्टिंग होगी प्राइजेस की। एंड हाइस्ट प्राइस क्या होगा, सबसे महंगा प्राइस? ये जो है ना, लैपटॉप बैग है। 600-700 का पड़ेगा ये। ओके, तो देखिए दोस्तों, इनके पास लैपटॉप बैग्स भी होंगे और अलग अलग प्राइजेस में, 600-700 के में। तो इनके पास बैग्स की काफ़ी अलग अलग वैराइटीज़ होंगी। तो मेरे को ये राजस्थानी का सेलिब्रेशन, राजस्थानी का स्टॉल देखने को मिला है। इधर एक बार चलते हैं, एक बार इनसे पूछते हैं। हेलो मैम, ये आप खुद ये डेकोरेट करते हैं खुद अपने हाथों से? बनाती हूँ मैं, और मेरी पूरी लेडीज की यूनिट है, पूरी संगठन। हाँ, जी, मतलब वो सब हम बनाते हैं। जी जी, एक मेरे उससे बनी हुई है जी, मेरी यूनिट में, मेरे देख रेख में जी, सारा जितना भी है ये आप पूरा हैंडमेड है ये। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा जितना भी काम है ये पूरा हैंडमेड है, और इनकी पूरी टीम पूरा ये काम करवाती है। एंड मैक्सिमम इनका प्राइसेस क्या होगा, जैसे कि बात करें हम इनकी, ये 600 का जैसे होगा। ये देखिए, आप इधर देखिए जी, ये काफ़ी मतलब प्रोडक्टिव आइटम है मेरे पास। अभी भी पूजा के सारे आइटम और ड्राई फ्रूट बॉक्सेस, मंदिर, सिंहासन, मिरर, फोटो फ्रेम्स, शुभ लाभ, काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, आज यहाँ भी कुछ अलग देखने को मिला है। ये सारी ये हैंडमेड पेपर डायरीज हैं, जो काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये बुद्धास पेपर डायरीज है। देखिए, काफ़ी अलग लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है पूरा। ये देखिए, काफ़ी अलग अलग तरीके की डायरीज हैं। एक बार मैं एक जी लेदर डायरी है ये, जिसमें हैंडमेड पेपर है। ये पूरा का पूरा पेपर जो होता था वो कॉटन से बनाया जाता है, जो इंडस्ट्रियल से निकलती है कॉटन वेस्टेज, उससे बनाया जाता है। कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, इसमें किसी प्रकार कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हैं ये इको फ्रेंड रिसाइकल है, इसको रिसाइकल में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि कह रहे हैं कि आजकल लोकल फॉर वोकल यूज़ कीजिए, वो वाला प्रोसेस में हम चलते हैं। तो सर मैक्सिमम, तो सर मैक्सिमम प्राइस क्या होगा इसका? इसका मैक्सिमम प्राइस है 450। देखिए दोस्तों, यहाँ भी कुछ नया देखने को मिला है। यहाँ देखिए, बिल्कुल ये धनुष माण मान लें इनको, हम धनुष माण पूरा दिखा रखा है। देखिए, बिल्कुल इन्होंने ये राजस्थान से बिलोंग करता है काम, और बिल्कुल वुडन से बना हुआ है। देखिए,
काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल वुडन तरीके से बना रखा है पूरा, अलग अलग डिज़ाइन में बनाए हुए हैं ये बिल्कुल। तो दोस्तों अब बारी है आपको खादी क्लॉथ्स दिखाने की, जो यहाँ बिल्कुल महात्मा गांधी की थीम चलाई हुई है बिल्कुल। तो अब वो खादी प्रदर्शन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस एरिया में हमें खादी प्रदर्शन ये दिखाया जाएगा, अंदर एंटर करते ही हमें देखिए काफ़ी अलग अलग तरीके की ये क्लॉथ्स देखने को मिले हैं। सर सर ये क्या होगा ऊपर? साड़ी है, साड़ी है। देखिए दोस्तों ये ऊपर साड़ी से क्या कॉटन है? कॉटन। देखिए दोस्तों काफ़ी कॉटन साड़ीज़ हैं, ये बिल्कुल कॉटन के सूट साड़ी और ऊपर बेस कोट ये पूरा कॉटन का है। देखिए दोस्तों ये बैग्स जूट से बने हैं एंड ये पूरे बैग्स में काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन हैं। देखिए तो सर इनका क्या प्राइस होगा जूट बैग्स का? 250 का 200। तो देखिए दोस्तों ये 250 का है और ये 200 का है। और बात करें हम इनकी साड़ीज़ की, बात करें साड़ीज़ की जी 1500 से। तो देखिए दोस्तों ये 1500 से स्टार्टिंग है इन साड़ीज़ की प्राइजेस की। तो अब चलिए दोस्तों अब थोड़ा और आगे का भी दिखा देता हूँ मैं आपको चलकर। देखिए दोस्तों काफ़ी क्यूट और काफ़ी अच्छे वुडन तरीके से बनाए हुए ये चरखे हैं। देखें सर इनका क्या प्राइस होगा चरखों का? 333 रुपये। तो देखिए दोस्तों ये चरखे आपको 333 रुपये तक के पड़ सकते हैं, कोई डिस्काउंट इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, बिल्कुल 333 रुपये तक के आपको पड़ सकते हैं। और काफ़ी अच्छे और काफ़ी छोटे स्मॉल साइजेस में बनाए हुए हैं पूरे चरखे वुडन में। तो दोस्तों अब बारी है आपको झारखंड से रिलेटेड सारे आइटम्स दिखाने की। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको झारखंड से रिलेटेड सारे आइटम्स दिखाऊंगा। तो चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ से अब हम पूरा झारखंड स्टेट से रिलेटेड सारे आइटम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों अंदर और दिखाता हूँ आपको सारे झारखंड से रिलेटेड आइटम्स। तो देखिए दोस्तों अंदर आती है हमें लेफ्ट हैंड साइड पर हमें यहाँ पे काफ़ी सारे टेडीज वेयर का स्टॉल देखने को मिला जो ये झारखंड में बनाए जाते हैं। देखिए रेडीमेड। तो देखिए दोस्तों ये झारखंड में डिस्ट्रिक्ट क्रेडी में ये पूरा काम तैयार करते हैं पूरे ये टेडी वेयर्स का। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग प्राइस क्या होंगे? 150 रुपीज़ का 150। तो देखिए दोस्तों ये 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगी इनके प्राइजेस की और 1500 तक इसका हाईएस्ट प्राइस होगा 1500 तक। 20% डिस्काउंट और बात करें डिस्काउंट की तो आपको दोस्तों ये 20% डिस्काउंट मिल सकता है इन टेडीज बियर पर। देखिए दोस्तों यहाँ हमें बिल्कुल झारखंड लेडीज़ ज्वेलरीज देखने को मिली है। देखिए काफ़ी अलग अलग टाइप्स की यहाँ ज्वेलरीज हैं लेडीज़ की। देखिए तो देखिए दोस्तों इस साइड हमें बिल्कुल कारपेट्स का काम देखने को मिलता है पूरा, ये भी काम झारखंड से ही बिलोंग करता है पूरा काम। एक बार इनसे स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी इनकी? स्टार्टिंग 1500 का है। 1500 का तो मैक्सिमम इस वाले कारपेट का क्या प्राइस होगा? ये वाला हाँ 3000 का 2x6 का होगा। ये 3000 का है ये जी। और 2x6 में पूरा 2x6 में आपको 1500 का आएगा। अलग अलग प्राइस हैं इनके भी, क्वालिटी डिपेंड है। एंड सबसे बड़ा जो कारपेट होगा जैसे कि शायद ये है या 6x9 का है, तो इसका क्या प्राइस है? 65,000 का। तो अलग अलग प्राइजेज हैं, अलग अलग इनके साइजेज में पूरा ये आपको मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी कुछ अलग देखने को मिल रहा है,
काफ़ी यहाँ देखिए काफ़ी अलग अलग पेंटिंग्स है झारखंड से बिलोंग करती हुई। ये देखिए काफ़ी अलग अलग छोटी बड़ी साइज़ में पूरी पेंटिंग्स तैयार की गई हैं। तो सर इनका भी अलग अलग प्राइजेस होंगे पेंटिंग्स के, तो मैक्सिमम सबसे छोटी पेंटिंग में से क्या क्या स्टार्टिंग होगा प्राइस इस पेंटिंग का? बुक मार्क होता है 150 इसी करके। जी जी का साइज होता है छोटा सा। अच्छा ये बुक मार्क है? बुक मार्क है जी। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी अलग अलग छोटे बड़े साइज में बुक मार्क्स हैं। तो इनका प्राइस क्या बताया आपने? ये 150 250। तो देखिए जो काम होता है जितना काम करेंगे उस हिसाब से प्राइस। तो देखिए दोस्तों जितना भी ये काम करेंगे उसके बेसिस पे इनके प्राइजेज हैं 150 250 350 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस साइज में 2000 4000 5000 10000 4000। तो बात करें हम इन पेंटिंग्स की, तो दोस्तों इन पेंटिंग्स का प्राइजेस 2000 3000 या फिर उससे ज़्यादा भी होता है मैक्सिमम। लास्ट प्राइस क्या होगा सर इसका? 3-4 लाख इनका। तो मतलब इससे भी बड़ी होगी फिर पेंटिंग? बड़ी है। देखिए दोस्तों ये भी कुछ नया देखने को मिला है यहाँ पर, और ये भी होम डेकोरेटिव आइटम्स में ही ऐड होते हैं। ये भी देखिए काफ़ी अलग अलग टाइप्स के हैं, ये पूरे हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम्स से देखिए घर के बाहर घर के अंदर काफ़ी अलग तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा बना रखा है इन्होंने। भैया इनका सभी का प्राइस सेम होगा या अलग अलग होगा? सबका प्राइस अलग अलग। तो भैया इनका क्या प्राइस होगा? ये वाला 500 का। तो देखिए दोस्तों इनका 500 प्राइस है। तो देखिए दोस्तों वो साइज़ काफ़ी इस तरफ के काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे आपको, ये काफ़ी बड़ा है। तो सर इनका क्या प्राइस होगा बड़े इनका? 700। तो देखिए दोस्तों ये 700 तक के पड़ सकते हैं आपको। तो दोस्तों अब बारी है आपको झारखंड की ट्रेडिशनल ड्रेसेस दिखाने की। तो ये ड्रेसेस क्या होंगी? ये नीचे क्या है? ये फ्रॉक टाइप है या? ये एक्चुअली सारी अलग अलग बॉडीज है। अच्छा। और ये ट्राइबल लोग है एक्चुअली, वाइट फॉर पीस एंड फॉर। और यार अब ये है आपका ब्लड फॉर यूनिटी यू नो, और ये आपका वाइट फॉर पीस। तो यही हमारे ट्राइबल का मेन जो वो रहता है उसी के बेस पर सारी चीज़ें डिजाइंड है, बाकी जितने भी आप आइटम्स देखेंगे। तो सर ये क्या हो सकते हैं? ये स्कार्फ है। और आपको अगर देखने अलग डिजाइन, आपको जैकेट्स मिल सकते हैं यहाँ, जैकेट्स ओके। और ये सेट भी अलग से इसके साथ का सेट। ये सारे सेम ही है? हाँ ये सेम है, बस ये लॉट है बाकी। ये पूरा का पूरा खादी हैंडलूम ड्रेसेस है, ये पूरा झारखंड का, ये पूरा लुक्स आप देख सकते हैं झारखंड का। ये पूरा कैप है, ये स्कार्फ है, ये काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में। और ये बिल्कुल बात करें तो दोस्तों ये बिल्कुल ही मेड इन झारखंड है। देखिए दोस्तों यहाँ बिरसा मुंडा जी को काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी मूर्ति को प्रकाशित किया गया है यहाँ पर लगाकर। तो दोस्तों मैंने आपको झारखंड का पूरा दिखा दिया है, वहाँ के सारे हैंडलूम्स आइटम, बाकी पूरा कल्चर के मुताबिक सारी ड्रेसेस। तो दोस्तों अब बारी है आपको महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के कल्चर और सारे जितने भी आइटम्स हैं वो सभी अभी मैं बता नहीं सकता दोस्तों अंदर और क्या क्या होंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो दोस्तों मैं जो भी आइटम्स होंगे वो सभी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम महाराष्ट्र के आइटम्स दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों यहाँ से महाराष्ट्र के आइटम्स यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको चलकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा लगाई गई है, देखिए कितनी अच्छी। यहाँ एंटर करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ हमें क्लॉथ्स देखने को मिलते हैं। ये सर ये क्या होगा सर? ये टावल है क्या है? टावल मैन्युफैक्चरर फ्रॉम सोलापुर महाराष्ट्र। टावल मैन्युफैक्चरर ओके। मेक बम्बू यार्न टावल आल्सो ओके। सर वेरी सॉफ्ट, वेरी हाइजीनिक, यू कैन हैव अ फील, टेक अ फील सर।
तो देखिए दोस्तों, अब कुछ नया देखने को यहाँ पर भी मिला है मेरे को महाराष्ट्र में। तो सर बता रहे हैं कि ये टावल है जिसपे हमें अमिताभ बच्चन जी की बिल्कुल पेंटिंग बना रखी है, बिल्कुल अच्छी तरह के, बिल्कुल सफाई से पूरी बनाई है टावल पे। पेंटिंग जेकार्ड पे वीविंग किया है सर जी। किस पे, एक बार बताइए सर। ये जेकार्ड पे वीविंग किया हुआ है, दिस इज नॉट प्रिंटिंग, दिस इज इनबिल्ट वीविंग इन जेकार्ड लूम्स। ये दोस्तों अभी मेरे को यहाँ पर भी महाराष्ट्र में कुछ अलग चीजें देखने को मिली है। तो दोस्तों ये क्लॉथ्स पे वाली पेंटिंग्स तैयार करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं छोटी छोटी पेंटिंग्स तैयार की जा रही है, इनको वार्ली पेंटिंग्स कहा जाता है। और ये आप चाहें तो क्लॉथ्स पे भी बना सकते हैं, आपके कोई सा भी क्लॉथ हो उन पे भी तैयार कर, बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गई, बेडशीट, पिलो कवर एंड बाकी भी कोई भी ड्रेस हो, कोई भी टी शर्ट हो, तो ऐसे भी आप फ्रेम आर्ट कर सकते हैं। इस तरह सर बता रहे हैं ये पूरा, जैसे कि बात करें मटेरियल की, मटेरियल पे भी ये ऐसे तरीके से पूरा तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अलग अलग तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ अलग देखने को मिला है, यहाँ पर भी हमें महाराष्ट्र में भी दोस्तों बंजारे ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों ये बंजारे ड्रेसेस हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें काफ़ी अलग 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 मटेरियल से। तो सर क्या बता रहे थे आप इनका नाम? गर्नो। तो सर दोस्तों ये महाराष्ट्र में इसको गर्नो बोलते हैं, जैसे आप कहीं भी जैसे ये टेबल या किसी उस पर लगा हुआ है तो आप उस पर बिल्कुल बिछा सकते हैं। कोतली। तो ये हैंगिंग बैग है, क्या है ये? ऐसा बैग दूल्हा चाहता है। अच्छा, तो दोस्तों ये पैसे या फिर मनी रखने के लिए कोई भी बैग की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंदर तरीके से ये पूरा महाराष्ट्र को दर्शाता है, देखिए। तो देखिए दोस्तों अब मैं आ गया हूँ दूसरे स्टॉल पर, जो हाँ आपको चिप्स, पापड़ और अलग अलग फ्राई चिप्स देखने को मिल सकती हैं। एंड ये इनका बोर्ड हो सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्त एक बार आप मुझे बताइए कि ये जो चिप्स है ये केले की है? हाँ। केले की चिप्स है ये दोस्तों, एक केले की चिप्स है। तो मैक्सिमम इनका प्राइस क्या होगा? 200 ग्राम का एक पैकेट। अच्छा, तो देखिए दोस्तों 150 का 200 ग्राम पैकेट, 150 का 400 ग्राम है। अच्छा, एंड वो भी सेम। हाँ। ये अच्छा उसमें ये मिर्च में और ज़्यादा में मिर्च और नमक, तो काफ़ी अलग अलग टेस्ट में आपको मिल सकते हैं। और पापड़ में कौन सी वैरायटी होंगी? हरी मिर्ची, मूंग दाल, उड़द दाल पापड़, हरी मिर्ची, लहसुन का ठेचा डाल देना है, गार्लिक। देखिए दोस्तों ये हरी मिर्च का पापड़ है, एंड ये और ये मूंग दाल, उड़द दाल का, काफ़ी अलग अलग वैरायटी में आपको पापड़ भी मिल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों अब मुझे स्टॉल पर काफ़ी अलग आइटम देखने को मिले, जो कि बैम्बू से ही बनाए जाते हैं। देखिए काफ़ी अलग अलग हैंगिंग टाइप में है पूरा। तो ये बिल्कुल लैम्प टाइप है, लैम्प शेड्स हैं। तो एक बार इनका भी प्राइस पूछ लेते हैं, तो इनका मैक्सिमम प्राइस क्या होगा? इनका 500 से लेके 2000 तक। तो मैम ने बताया दोस्तों कि 500 से 2000 तक का इनका प्राइजेस रहेंगे, तो छोटे बड़े में भी होंगे जी। अच्छा, तो ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, ये सबसे हॉट सेलिंग होगा ये वाला। तो देखिए दोस्तों ये सिग्नेचर प्रोडक्ट है, ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है, हम लोग ट्राइबल्स के साथ काम करते हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेशन कर रखी है पूरी तरफ। एक बार मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह डेकोरेशन कर रखी है। देखिए तो चलिए दोस्तों अब बारी है आपको यहाँ के बिहार के आइटम्स दिखाने की, जो कि बिहार के यहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ से बिहार का मैं आप दिखाता हूँ, बिहार में क्या क्या ट्रेडिशनल क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको धीरे धीरे करके। यहाँ अंदर आते ही दोस्तों देखिए किस तरह यहाँ बनाया जा रहा है, काफ़ी अलग अलग कल्चरल टाइप। ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं? सिक्की ग्रास। तो दोस्तों बता रहे हैं कि ये सिक्की ग्रास से बनाए जाते हैं। एंड इस तरफ ये पेंटिंग्स बनाई जा रही है। और मैम ये क्या है, ये पेंटिंग पे टिकुली पेंटिंग। अच्छा, तो देखिए दोस्तों ये टिकुली पेंटिंग्स है बिहार की। एंड ये देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से बिहार का बना रखा है, बिहार वोकल टू ग्लोबल।
तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे करके अब यहाँ का भी हम पूरा कवर करते हैं। यहाँ भी दिखाता हूँ मैं आपको चलकर। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं एक बार, पहले देखिए किस तरह बिल्कुल सुंदर तरीके से डेकोरेशन लगाई हुई है यहाँ पर। यहाँ काफ़ी अलग अलग पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। यहाँ गणेश जी की पेंटिंग्स लगाई हुई हैं एंड यहाँ ज़्यादातर गणेश जी की पेंटिंग्स हैं, अलग अलग पेंटिंग्स हैं काफ़ी अलग अलग साइज़ में। दोस्तों ये शी शेल्स की माला है, तो इनका क्या क्या प्राइस होगा? ये आपका 360 है। तो यहाँ प्राइजेस बता रहे हैं कि ये दोस्तों ये आपको 360 के पड़ सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस हैं, सेम प्राइजेस होंगे अलग अलग। तो सबसे छोटे का क्या प्राइस होगा? अच्छा, तो यहाँ 200-250। तो ये अलग अलग प्राइजेस बताएंगे यहाँ पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पेंटिंग्स हैं एंड यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल देखिए दोस्तों ये साड़ी सूट आइटम्स हैं। तो ये बिल्कुल फैब्रिक आइटम्स होंगे, ये भी साड़ी आइटम होंगे। एंड सर ये क्या है? ये क्या है? ये बेडशीट। बेडशीट, तो देखिए दोस्तों ये बेडशीट है, कॉटन बेडशीट। मैम ये किन चीज़ों से बनाए गए? क्या है बेटा ये किन चीज़ों से बनाए गए? सीख है। सिक्की ग्रास बोला जाता। तो देखिए दोस्तों ये सिक्की ग्रासेस से बनाए गए हैं पूरे आइटम्स। देखिए कानों, तो देखिए दोस्तों ये इयर रिंग्स है कान के। ये देखिए दोस्तों काफ़ी, ये भी सिक्की ग्रास से ही बनाए जाते हैं ज़्यादातर। आपको यहाँ जितने भी मटेरियल दिख रहे होंगे ये सिक्की ग्रासेस के ही हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखे हैं। और देखिए ये मैम बना भी रही हैं उनको किस तरह, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ये। देखिए दोस्तों ये डॉल्स है। सर ये किस चीज़ से बनाए गए हैं? जूट की हैं। तो देखिए दोस्तों ये जूट से बनाए गए हैं ये पूरी डॉल्स, सभी डॉल्स काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए हैं पूरा जूट के। और ये जितना भी काम है सारा जूट का है, देखिए सारा जितना भी ये बनाए गए हैं पूरा जूट से ही बनाया गया है ये काम, और काफ़ी अच्छा है। और ये नेकलेस, अच्छा जूट का ही लॉकेट है ये भी, काफ़ी अच्छा है कि ये ज़्यादातर यहाँ फोकस जूट पे ही किया गया है। देखिए दोस्तों और बैग भी, तो बैग भी देखिए जूट से ही काम किया गया है। आज हम बताएंगे आपको सिल्क का पूरा लाइफ स्टाइल प्रोसेस कैसे होता है। सो ये है सिल्क का कोकून जिससे सिल्क बनता है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिल्क है, ये एरी रेड एरी है, एरी ये तसर और ये मलबरी। ओके, इससे बनता है हमारा सिल्क का डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक, जो कि आप देखते हैं ब्लेज़र बनते हैं इसके, वेस्ट कोट बनते हैं, कुर्ता बनता है, ये सब बनता है। और फिनिशिंग आइटम्स के लिए बहुत हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब ये सिल्क का वेस्ट जो होता है फैक्ट्री से कुछ इस टाइप का होता है, हम लोग इसको कलेक्ट करके, ये है सिल्क ओके, इसको हम लोग कलेक्ट करके हमारे गाँव के लड़के और जो लेडीज़ हैं उनसे ऐसा यार्न्स बनवाते हैं। इस यार्न्स को यूज़ करके हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, जो कि फर्दर जो हमारे होम इंडस्ट्री फर्निशिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें यूज़ होता है, चाहे वो कुशन कवर बनाने में, बैग्स बनाने में, कर्टन्स बनाने में, सोफ़ा बनाने में, चेयर्स में, और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो दोस्तों इस तरफ हमें बेडशीट एंड पिलो कवर्स देखने को मिले, जो कि ये कॉटन्स के प्योर कॉटन से बने हुए हैं ये पूरा। तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा? 1500। तो यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस भी 1500 है, हाईएस्ट 3000 तक पड़ सकता है आपको यहाँ का भी। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बिहार का भी पूरा दिखा दिया है कि क्या क्या आइटम्स लगाए गए। तो दोस्तों अब बारी है आपको उत्तर प्रदेश का दिखाने की। अब मैं उत्तर प्रदेश के हैं जहाँ काफ़ी सारे अलग अलग आइटम्स लगाए गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बारी है अंदर उत्तर प्रदेश के में चलने की, चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है, कितने सुंदर तरीके से ये पूरा ट्रेड फेयर बनाया गया। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है कि जैसे कि देखिए ये शिक्षा का वरदान, और बात करें यहाँ की कि ये गौरवशाली संस्कृति पर विकास जो किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा का सुदृष्टिकरण किया गया है ये सभी आइटम्स। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं आगे, और कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है अब वो दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, यूपी से रिलेटेड ये सारे स्टेट्स का काम है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये लखनऊ के ये चिकनकारी ये बनाया जा रहा है कपड़ों पर। काफ़ी अलग अलग स्टेट्स का दिखाता हूँ। देखिए अब बारी है इधर की तरफ। देखिए ये आपको दिखेगा वाराणसी गुलाब मनाकरी मीनाकरी। तो दोस्तों अब आपको दिखेगा वाराणसी का गुलाबी मीनाकरी। जैसे कि देखिए बता रहे हैं मीनाकरी किस तरह की जाती है। देखिए गणेश जी पे देखिए, वहाँ देखिए सामने किस तरह किया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है यूपी को, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है यूपी को। अब बारी है मेन पुरी की दिखाने की, जो कि ये ताराकाशी की गई है। तो देखिए दोस्तों किस तरह यहाँ ताराकाशी की जा रही है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है, ये देखिए मैम खुद अपने हाथों से कर रही हैं। ये देखिए ये मूर्तियाँ हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से ताराकाशी की गई है। काफ़ी अलग अलग तरीका है ये दोस्तों। इस तरफ स्टॉल लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, यहाँ पर यहाँ देखते हैं चलकर। सर ये परफ्यूम है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अलग अलग टाइप्स के परफ्यूम देखने को मिल सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर डिज़ाइन में बना रखे हैं। जैसे कि दोस्तों आजकल क्या पता यूपी में दोस्तों ये परफ्यूम ट्रेंड में हो, जो कि आज ये ट्रेंड फेयर में लगाए गए हैं। सो इस तरफ हमें भगवान के पेंटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। तो सर क्या आप ये पेंटिंग्स खुद बनाते हैं? ये पेंटिंग्स आप खुद बनाते हैं? अच्छा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पेंटिंग्स है काफ़ी अलग अलग टाइप्स की। और आगे चलते हैं, यहाँ साड़ीज़ हैं। सर ये साड़ीज़ है, साड़ीज़ ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी साड़ीज़ का काम किया गया है यहाँ पर। और ये बनारसी साड़ी है। और आगे चलते हैं, तो दोस्तों आपको गौतम बुद्ध नगर के यहाँ पर आपको सूट्स देखने को मिलेंगे, जो लेडीज़ सूट्स हैं यहाँ सारे। और आगे चलते हैं, तो दोस्तों आपको ये ज्वेलरीज देखने को मिलेगी, गर्ल्स ज्वेलरीज है। और ये काम आपको बांदा से बिलोंग करता है, ये यूपी बांदा में है। और सर ये डिजाइन से स्टोन देख रहे हैं, ये कौन सा है? ये स्टोन कौन सा है? ये सजर स्टोन है, और बांदा की केन नदी में निकलता है। ओनली जो है बांदा में ही पाया जाता है, ऑल वर्ल्ड इसको कहीं नहीं पाया जाता, बांदा में ही निकलता है, बांदा में ही बनता है। इसका पूरा अपने पास कारखाना है जो है। और ये जो भी डिजाइन्स देख रहे हैं आप, जो है पेंडल्स वगैरह हैं, ईयर रिंग्स हैं और रिंग वगैरह है, लूज पीस रखे हैं। लेकिन जो भी डिजाइन्स देख रहे हैं सारे नेचुरल डिजाइन, ओनली बांदे में ही बनता है, ये बांदे में ही निकलता है जी। तो दोस्तों अब बारी है आपको भदोही की कारपेट दिखाने की। दोस्तों ये कारपेट्स हैं। तो सर क्या क्या प्राइस होंगे कारपेट्स के? कोई 4,000, कोई 6,000। इसका क्या प्राइस होगा? 4,000 का। अच्छा, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है कारपेट्स की आपके यहाँ? 1,000 से शुरू है, 2,000 से। और सबसे बड़ा कारपेट की प्राइसेस? तो हाईएस्ट प्राइस 1,00,000, 2,00,000 तो मांग लो। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा कर इन्होंने बताया कि इनके हाईएस्ट प्राइस 1,00,000 या 2,00,000 तक इनके कारपेट्स होते हैं इनके। और ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ है देखिए कारपेट्स में भी, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, गाज़ियाबाद के ब्रास हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार की गई है। देखिए गणेश जी की, ये राधा कृष्ण जी की हैं, काफ़ी सारी हैं यहाँ देखिए। दोस्तों मैंने आपको यहाँ का पूरा ट्रेड फेयर 2022 पूरा कवर करा दिया दोस्तों, पूरा घुमा दिया मैंने आपको। तो दोस्तों अब बारी है यहाँ से बाहर जाने की। तो चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं बाहर। चलिए तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आगे फिर इसी तरह नई वीडियो के संग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।